पतंग सा था वो। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में एक उभरता हुआ सितारा। पूर्णिया के मट्टी से जन्मा ये लाल बॉलीवुड में अपना परचम लहरा रहा था। फिर अचानक पूरे बॉलीवुड में मातम छा जाता है। खबरें तूफान की तरह फैलने लगती है और इस जीवन का अंत सामने नजर आता है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार MS धोनी का किरदार निभाने वाले, छिछोरे में अपनी बेबाक राय रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का आज निधन हो गया। खबरें सरे बाजार आग की तरह फैलती गई और कारण बताया गया आत्महत्या का। लेकिन क्या वाकई आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश? पूर्णिया के मलडीहा में बरहरा कोठी का ये गांव, जहां सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक घर है, इस गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। बड़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है, बहन मानने को तैयार नहीं और भाई इंतजार में है कि कब उसका पार्थिव शरीर उन तक पहुंचे। इस परिवार में जो मातम छाया है वो कारण है सुशांत सिंह राजपूत के मौत का। देखिए खबर। तकरीबन 45 मिनट तक बात हुआ तो बता रहे थे कि नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा है, सुशांत से बात हुई है और नवंबर में शादी भी करने वाले हैं, चलेंगे हम सब कुछ सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई टेंशन वाली बात अचानक से आज सुन रहे हैं ये बात, अब पता नहीं चल रहा है। भैया लोग गए हैं वहाँ बम्बई, वहाँ से आने के बाद ही पता चलता है कि क्या हुआ है। ये भी पता चल रहा है कि दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्णिया में होगी, इस तरह की कोई बात है क्या? अब भैया वहाँ गए हैं डेड बॉडी रिसीव करने के बाद डिसीजन लिया गया है क्या करना है। क्या किसी पर आरोप है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोगों को तो नहीं पता है। कुछ सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या नाम है? मेरा नाम है पन्ना कुमार सिंह। कौन कौन है? हम कजन है। आपको ले जाएंगे बद्री नारायण, ले जाएंगे प्लेन से, आपके ले जाते रे बापू के ले जाते रे बापू रे बाबू, झूठे नहीं छिया सचे छिया, सचे भै गला है, सचे भै गला है तो बाबू, झूठ नहीं छिया झूठ नहीं है हो बाबू। राजा राजा अभी तो यही है कि मेरा भाई नहीं है। राजा हे राजा, कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप किसी पर कुछ? रे राजा, क्या कोई विवाद वगैरह हुआ था क्या किसी से? राजा बताया जा रहा है टीवी में कि मतलब कुछ लोग जो है आए हुए थे उनके साथ मिलने के लिए उसी रात जिस रात। अरे राजा राजा, ये पिछले साल आए थे यहाँ गांव आए थे, आप लोगों के साथ कैसा संपर्क रहा? 4-5 दिन पहले हमको बात हुई थी उनके पिताजी।